हेलो, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सोयाबीन बड़ी आलू का सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। आलू को पहले उबाल लेंगे, एक सीटी देने के बाद गैस बंद कर देंगे। सोयाबीन बड़ी को गर्म पानी में 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अच्छा से फूल जाएगा, उसके बाद ही बनाएंगे। जब भी मार्केट में लेंगे सोयाबीन बड़ी, यही पैकेट को लेंगे। आप गैस बंद कर देंगे क्योंकि फूल चुका ना सोयाबीन बड़ी। ठंडा पानी में डालेंगे ताकि जल्दी ठंडा होगा। दो तीन चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सोयाबीन बड़ी को एकदम निचोड़ लेंगे और तवा में लाल होते तक भूनेंगे। भूंज के पकाने से सोयाबीन बड़ी कड़क हो जाता है और मटन जैसे स्वाद लगता है। सोयाबीन बड़ी को भूनते तक अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बना लेंगे और सोयाबीन बड़ी को अलट पलट करते रहेंगे ताकि ना चिपके, और लाल होते तक भूंज लेंगे। भूनने के बाद उतार लेंगे। 2-3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। जीरा, सरसों, तेज़पत्ती डालेंगे और अच्छे से भूंज लेंगे। उसके बाद पिसा हुआ पेस्ट को डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, अच्छे से भूंज लेंगे। उसके बाद 2 ठो लहसुन डाल देंगे, क्योंकि लहसुन डालने से मटन का स्वाद आ जाता है। अब आलू और सोयाबीन बड़ी को डालेंगे। लगभग 1 गिलास पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से पकेगा। मेरे तरीके से सोयाबीन बड़ी को ज़रूर बना के देखेंगे। आलू, सोयाबीन बड़ी और लहसुन डाल के ज़रूर बनाएं, और मेरे रेसिपी पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप लोग तो मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे को बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट का मेरे को ज़रूरत है, और आप लोग लाइक करने के लिए नहीं भूलेंगे।